गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसे बच्चों हम सबको बताए कि हमारा क्वार्टरली एग्जाम का जो सिलेबस था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी जितने भी चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं, जो भी क्वार्टरली एग्जाम्स में आने वाले हैं, अब हम उन सबका रिवीजन करेंगे। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स का रिवीजन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो सारे के सारे पॉइंट्स जो भी इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है वो हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब इंटीजर्स की बात होती है तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर वो सारे होल नंबर जिनको हम विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लिख सकते हैं, इंटीजर्स होते हैं। सारे के सारे होल नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन के साथ लिखे जा सकते हैं, या जो कह सकते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, सारे के सारे होल नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर में सबसे पहला आता है कि इंटीजर्स को नंबर लाइन में शो करना है। तो एक हमने नंबर लाइन खींच ली और इसका सेंटर मान लिया हमने जीरो। तो याद रखना बच्चों, जब भी हम जीरो के लेफ्ट में जितनी दूर जाएंगे जो भी वैल्यू आएगी वो उतनी छोटी होगी। ठीक है, लेफ्ट में जितनी दूर हम जाते जाएंगे वैल्यू छोटी होती जाएगी, एंड राइट में जितनी दूर हम जाएंगे मतलब जितनी दूर लाइन पे जाएंगे हम वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी। डेट मीन्स कि 3 2 से बड़ा होगा एंड 2 1 से बड़ा होगा, और यहां पर उल्टा -1 0 से छोटा होगा और -2 1 से भी छोटा होगा, -1 से भी, एंड -3 -2 से भी छोटा होगा। मतलब लेफ्ट में जितना दूर हम जाएंगे वैल्यू उतनी छोटी होती चली जाती है, एंड राइट में जितना दूर हम जाएंगे वैल्यू उतनी बड़ी होती चली जाती है। अभी जैसे मैंने आपके सामने एक ही क्वेश्चन लिख दिया, तो हमारा क्वेश्चन आता है कि इसमें से स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर्स को लिखो। तो अगर आपसे बोलता है स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट होता है माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू वो उतनी छोटी। ठीक है, मतलब अगर जैसे माइनस का कहीं पे 1 भी लिखा, 3 भी लिखा है, या 300 भी लिखा है इवन, और कहीं पे 0 लिखा है, तो 0 -300 से बड़ा होगा। ऐसे माइनस का 9000 भी लिखा है कहीं पे, और कहीं पे प्लस का केवल 1 लिखा है, तो 1 -9000 से भी बड़ा होगा। ठीक है, ऐसी -9000 तो इवन 1000 से भी छोटा होगा, क्योंकि -9000 मतलब ये वैल्यू जो है लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा दूर होगी -1000 से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड में जितनी दूर हम जाते हैं वैल्यू छोटी होती चली जाती है, और माइनस की जितनी बड़ी वैल्यू वो उतनी ही छोटी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको आता है कि ग्रेटेस्ट नंबर छाटो, तो आपको पता है ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, जो प्लस का होगा या फिर जो माइनस में छोटी से छोटी वैल्यू होगी। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो प्लस का है वही होगा, तो 2 हो गया ग्रेटेस्ट नंबर इन सब में, और स्मॉलेस्ट हो गया -3। ठीक है, अब इसको ना कभी कभी वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करवा देता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी थोड़ी, फिर थोड़ी उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और एंड में सबसे बड़ी, और डिसेंडिंग जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स ऑर्डर लिख देंगे, वही हमारा डिसेंडिंग हो गया। अभी इसके बाद आपको बोला जाएगा कि यूज द साइन, मतलब ये साइन हमको यूज करना है, ये साइन, और हमें एक वैल्यू दे दी जाएगी और बीच में बॉक्स दे दिया जाएगा। तो आपको पता है कि ये जो मुंह है जो जिस तरफ को खुला होता है वो वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है। जैसे ये वैल्यू बड़ी है तो इसकी तरफ को मैं खुले वाला मुंह बनाऊंगा, और जो छोटी है उसकी तरफ टेल आ जाएगी, मतलब माउथ बड़ी वैल्यू की तरफ और टेल छोटी वाली वैल्यू की तरफ। अगर दोनों के दोनों इक्वल है तो बीच में कौन सा साइन आ जाता है, इक्वल्स टू का। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने के लिए इस टाइप से भी लिख देंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपकी वैल्यू उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। और इसमें एक टाइप के ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि फ्रैक्शन में दे दिया जाता है और आपसे बोला जाएगा कि बीच में ये साइन यूज करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के ऊपर वाली वैल्यू लिख देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करनी है हमको 15 की 13 से, तो ये आ गया हमारा 195, और 14 की 16 से, ये आ गया हमारा 224। तो 224 बड़ा है, मतलब 224 बड़ा है। ठीक, तो 224 में जो आगे वाली वैल्यू थी बस हमको वो देखनी है, वो कहां थी, इस तरफ, तो यही हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा बड़ा। ठीक है,
बहुत सिंपल था, दोनों के ऊपर वाली वैल्यूज लिखनी है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन को, कि इसमें माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो माइनस का साइन जैसे हमने इसमें लगा दिया, ठीक इसी टाइप के क्वेश्चन में हमने माइनस का साइन लगा दिया, तो अभी क्या करना है हमको, सबसे पहला काम हमारा ये होता है जब भी माइनस का साइन होता है कि उस माइनस के साइन को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में पहुंचा दो, मतलब नीचे है तो उसको ऊपर पहुंचा दो। तो उसको ऊपर पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, माइनस और ये ऊपर वाली वैल्यू है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस का साइन आ जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसी सिमिलरिटी माइनस ऊपर प्लस, तो माइनस प्लस माइनस का साइन आ जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब माइनस 15 एंड माइनस 13 क्रॉस मल्टीप्लाई 16 की 15 के साथ एंड 13 की 14 के साथ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा 16 से करेंगे जब इसकी तो 90 एंड 15 ये आ गया 1, 4 एंड 2 माइनस का, ऐसे 13 एंड 14 की जब हम करेंगे 42 एंड 13 ये आ गया 172 तो माइनस का 172। तो अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस की जितनी बड़ी वैल्यू हो उतनी छोटी, तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि माइनस में ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो माइनस में अगर कोई वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो माइनस की कोई छोटी वैल्यू है तो उससे छोटी होगी, तो ये वाली वैल्यू छोटी है ये बड़ी है, तो माइनस 172 बड़ा है और ये किसकी वैल्यू थी 13 की, माइनस 13 की, तो इसकी तरफ आ जाएगा बड़े वाला साइन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को होपफुली सारे बच्चे कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशन या सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंटीजर्स। सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंटीजर्स हम कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इंटीजर्स को। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमको बस दो चीज ध्यान रखनी है कि जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव साइन आता है तो वैल्यू होती है प्लस, और जब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाए तो हमेशा जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस। ठीक है, तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस और ऐसे ही माइनस माइनस भी क्या होता है प्लस, मतलब जब भी सिमिलर साइंस आते हैं तो वैल्यू प्लस होगी, और एक एक अलग और दूसरा अलग आ जाए तो दोनों डिफरेंट साइन हो तो हमेशा माइनस होता है, सिमिलर साइन प्लस डिफरेंट साइन माइनस। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे हमको सिंप्लीफाई करने को बोला माइनस 14 प्लस 16, बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले रहे हैं, माइनस 14 तो ये माइनस है ये प्लस है, तो अभी मैंने बताया माइनस प्लस हमेशा क्या होगा माइनस, तो सीधा माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये आगे 2, अब ये जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उसके आगे एक साइन आता है 101% हमेशा एक साइन होगा। ठीक है, अब वो साइन किसके अकॉर्डिंग आता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, जैसे 14 यहाँ पे बस केवल 14 और 16 देखना है कि आगे के साइन कंसीडर नहीं करने हमें अभी, तो 14 और 16 तो दोनों में से 16 बड़ा है और 16 के आगे कौन सा साइन था प्लस का, तो इसके आगे भी प्लस का साइन रहेगा, अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, ऐसी अगर माइनस 20 और एक जगह हो जाए प्लस 15 तो माइनस प्लस, अभी बताया माइनस प्लस माइनस, तो 20 में 15 क्या बचा 5, अब इसके आगे साइन कौन सा आएगा वो डिपेंड करता है वैल्यू कौन सी बड़ी है, तो 20 बड़ा है और 20 के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो इसके आगे भी क्या आएगा माइनस। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया होगा साइन कैसे आने हैं। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अभी देखो 20, अब दो सिचुएशन होती है, एक तो ये होती है और एक ये होती है। ठीक है, अब इसमें देखो ये माइनस और ये माइनस, ये इसके आगे है और ये इसके आगे है वाला माइनस, है ना, ये वाला माइनस 20 के आगे है, ये वाला माइनस 6 के आगे है, यहां पर दो साइन आ गए एक साथ आमने सामने, तो जब भी दो साइन आमने सामने आएंगे तो सीधा उनको हम क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस, एक साइन को कर देंगे खत्म, जबकि यहां पर माइनस माइनस ऐसा नहीं कर देना कि माइनस माइनस प्लस का साइन, नहीं, यहां पर सीधा माइनस माइनस प्लस करना है हमको, ठीक, साइन
तभी चेंज होते हैं जब वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, ठीक है, जब एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल आ जाते हैं तब चेंज होते हैं। अगर वो एक इधर है और एक इसके आगे है तब कभी भी चेंज नहीं होते। इस चीज को याद रखना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं प्लस माइनस में कि जब साइन सामने सामने आ जाते हैं, मतलब ऐसे इधर माइनस है इधर माइनस है, तो बच्चे क्या करते हैं इस फॉर्म को लिख देते हैं 20+x, नहीं वो गलत हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ है और इधर है तो माइनस माइनस सीधा हमको पता है क्या होता है, प्लस हो जाता है, और वैल्यू 20 बड़ी है, इसके आगे माइनस का साइन है तो इसके आगे भी माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। तो याद रखना इसको, इसी को गलती मत करना बिल्कुल भी। अब यहाँ पर ये दोनों साइन एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं तो प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब 20 ये प्लस का है ये माइनस का है, 20 में से 6 गया बचा 14 एंड ये प्लस का 8, तो 14 प्लस 8 22, आंसर आया 22, ठीक। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। अभी बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन हम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक। तो सबसे पहले हमको बोर्ड मास फॉलो करना होता है, बोर्ड मास ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ब्रैकेट तो इसमें कहीं है नहीं, तो डिवाइड मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नियरस्ट डिवाइड, तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना 4, 20 को 5 से। अच्छा अगर मैं साइन ये यहां से हटा के इधर ले लेता हूँ, चलो तो 20 को हमने 5 से डिवाइड किया तो बचा 4, 20 के टेबल में 5 के टेबल में 24 टाइम्स आता है, तो क्वेश्चन हमारा 4 आया। अभी इधर से माइनस 4, ठीक। अब यहां पर प्लस का साइन था, यहां पर माइनस का साइन था, तो प्लस माइनस माइनस। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमको ये नहीं देखना कौन सी वैल्यू बड़ी है या कौन सी वैल्यू छोटी है, वो केवल हमको तभी देखना है जब प्लस माइनस होता है, मतलब तो जब सब्ट्रैक्ट या एडिशन हो रहा हो तभी हमको देखना होता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है या कौन सी वैल्यू छोटी है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में केवल हमें साइन देखना है, तो जैसे इसके आगे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन कंसीडर, इसके आगे माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहां से हमें माइनस 4 उतारा और इधर प्लस 8 एंड 4 जो 16, माइनस माइनस प्लस का साइन, प्लस का साइन लगाते नहीं है, अगर आगे की तरफ हो तो नहीं लगाते, अगर बीच में है तो लगाना पड़ता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस का साइन, ठीक, 16+8 ये हो गया हमारा 24 और ये हमारा आंसर। तो सबको समझ में आ गया होगा मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला कैसे करना है, ठीक है, माइनस के साइन या कोई भी साइन का ध्यान कैसे रखना है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, ठीक है। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे सबसे पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हर एक प्रॉपर्टी चार चीजों पर अप्लाई होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। तो एडिशन में कॉमनिटी प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस बी करूं या b प्लस a करूं तो हमेशा आंसर सेम आना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो वो चीज कॉमनिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। जैसे यहां हम बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स के लिए ये चीज सेम होनी चाहिए कि मैं a प्लस b करूं और b प्लस ए करूं तो हमेशा आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। ऐसी सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक करते हैं कि a माइनस बी हो या b माइनस ए हो, इंटीजर सेम होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने 2 माइनस 3 रखा, 3 माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1, तो ये तो नहीं सेटिस्फाई हो रहा। तो मतलब इंटीजर जो है सब्ट्रैक्शन पे कॉम्यूटेटिव नहीं होते, ठीक है, याद रखना इंटीजर सब्ट्रैक्शन पे कॉम्यूटेटिव नहीं होते, ठीक। मल्टीप्लीकेशन पे चेक करते हैं, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2, 6 इक्वल्स टू 6, तो ये इस पे भी सेटिस्फाई हो रही है और इस पे भी हो रही है। लास्ट हमारा एडिशन, ए डिवाइडेड बाय बी या बी डिवाइडेड बाय ए, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 और 3 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.66 चलता रहेगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 1.5, तो इस पे भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसमें भी हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर डिवीजन, ठीक है, कि डिवीजन के अंदर वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करते। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई होगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाली।
ठीक है, अगर कहीं पे जैसे मैच द फॉलोइंग में आता है ना, ऐसा कुछ लिख दिया होगा और बोला जाएगा कि इसे मैच विद द प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी, तो आप बोलोगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ठीक है, ऐसी सब्ट्रैक्शन, ऐसी मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। और कॉम्यूटेटिव इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे होते हैं, मतलब किस किस चीज में होते हैं, एक तो एडिशन में कॉम्यूटेटिव होते हैं और मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीजर्स के बाद, इंटीजर कॉम्यूटेटिव के बाद हम बात करते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव में क्या फर्क है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी करूं या ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी करूं, मतलब कि पहले बी और सी की मल्टीप्लाई कर दूं फिर ए की करूं, या पहले ए और बी की मल्टीप्लाई कर दूं फिर सी की करूं, तो वो क्लोज होंगे। तो ये हमारी मल्टी, हर एक प्रॉपर्टी में बताया था चार चीजों के अंदर चेक करनी है, मल्टीप्लीकेशन, ऐसी एडिशन की ए एंड बी प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो ये एडिशन, ऐसी सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, ऐसी डिविजन, ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी या ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी, ठीक है। इंटीजर्स के लिए चेक करें तो इंटीजर ही ले लेते हैं, टू थ्री फोर, टू थ्री फोर, तो थ्री फोर जो ट्वेल्व एंड ट्वेल्व टू जो ट्वेंटी फोर, टू थ्री जो सिक्स एंड सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर, तो मतलब इंटीजर्स एसोसिएटिव होते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन के अंदर इंटीजर एसोसिएटिव होते हैं। आप एडिशन के अंदर चेक कर लेते हैं, टू प्लस थ्री प्लस फोर, टू प्लस थ्री प्लस फोर, है ना, तो फोर और थ्री सेवन प्लस टू नाइन, टू और थ्री फाइव प्लस फोर नाइन, तो इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं, टू माइनस थ्री माइनस फोर, टू माइनस थ्री माइनस फोर, तो थ्री में से फोर गया बच्चा माइनस का वन, ऐसी थ्री में से टू में से थ्री गया तो ये बच्चा माइनस का वन, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया माइनस माइनस सीधा प्लस, यहां पर आ जाएगा कितना थ्री, यहां पर आ जाएगा कितना माइनस का फाइव, थ्री और फाइव इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इंटीजर आर नॉट नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ऐसी डिवीजन के अंदर चेक करते हैं कि टू डिवाइडेड बाय थ्री डिवाइडेड बाय फोर एंड टू डिवाइडेड बाय थ्री डिवाइडेड बाय फोर, तो यहां पर हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा लगभग 0.75, एंड यहां डिवाइड करेंगे तो 0.66 डिवाइडेड बाय 4, 0.75 से इसको आप डिवाइड करना तो लगभग ये आ जाएगा 0.66, एंड यहां पर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 0.16 एंड समथिंग, तो दोनों के दोनों डिफरेंट है, तो हम ये कहेंगे कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मेन चीज है कि इस टाइप की फॉर्म जब भी बनती है कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी हो या ए प्लस बी प्लस सी हो और दूसरी तरफ ए प्लस बी प्लस सी हो, तो इस टाइप की जो फॉर्म होगी उसको एसोसिएटिव कहते हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, दो चीज होती है, एक तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, एक होती है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, और एक होगी मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहती है कि टू मल्टीप्लाई वन करूं या वन मल्टीप्लाई टू करूं, हमेशा आंसर टू ही आएगा, ठीक है, टू मल्टीप्लाई वन मल्टी वन मल्टीप्लाई टू इक्वल टू टू। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये कहता है कि फोर की ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर वन आ जाए, है ना,
तो जैसे मेरे से बोला है 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ या -5 का बताओ, तो -5 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि पता जाए, इसके रेसिप्रोकल से, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 ऊपर -5 नीचे और दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब ये दोनों डिवाइड में आ जाएंगे ना, तो -5 से -5 1 बार में डिवाइड हुआ एंड 1 बन जाए 1। तो ये होते हमारी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो आप सबको पता है, किसी भी नंबर की जीरो से करो मल्टीप्लाई या जीरो की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा जीरो आता है, ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत ज्यादा इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। और मैंने बताया था हर एक प्रॉपर्टी चार चीजों में देखनी होती है, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले समझना है हमको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, तो जब भी हम किसी चीज को बांटेंगे उसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव, पी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, याद रखना इसको नाम को, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के ऊपर नहीं होती, केवल दो ही चीजों के ऊपर होगी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन के ऊपर और ओवर सब्ट्रैक्शन के ऊपर। तो ये होती क्या है, जैसे ए मल्टीप्लाई है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किसको मल्टीप्लाई को, किसके ऊपर, एडिशन, बी प्लस सी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। तो जब ऐसी फॉर्म होती है तो ए की बी के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाती है और फिर ये साइन ए की सी के साथ भी, तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, तो इसको ही कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। सिमिलरली ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, तो ए की बी के साथ भी मल्टीप्लाई और ए की सी के साथ भी, तो ए मल्टीप्लाई बी फिर ये साइन माइनस ए मल्टीप्लाई सी, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन होती है ओवर सब्ट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चंस। यहां पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे किस टाइप से, इस टाइप से देखो, यहां पर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 23, इधर भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको हमने ले लिया है कॉमन। तो जैसे ये कॉमन आया अब यहां पे मल्टीप्लाई का साइन, जो यहां से बचा ये इधर आ चुका है ना, है ना, जो भी हमने कॉमन लिया है तो उससे इस पूरे नंबर को डिवाइड करते हैं, तो जब मैं इस पूरे को डिवाइड करूंगा तो 23 से 23 कट गया तो बचा कितना, -100। ऐसे ये प्लस का साइन आएगा, फिर इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 23 से 23 डिवाइड हो गया 1 बार में और यहां पे बचा -60। ठीक है, तो 23 मल्टीप्लाई -100 एंड प्लस माइनस -60, तो माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस, और साइन बड़ी वैल्यू ये है इसके आगे माइनस है, तो जो वैल्यू हमारी आएगी उसमें भी माइनस आएगा। अब 23 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी मल्टीप्लाई करके आया वही हमारा आंसर है और उसके आगे माइनस का साइन। ठीक है, तो यही हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, या फिर इसी को हम दूसरी तरीके से भी कभी कभी आता है, कैसे दूसरे तरीके से कैसे आएगा, आपको एक नंबर दे दिया ऐसे और बोला जाएगा आपको इसे प्रॉपर्टी से सॉल्व करो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी से सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले इसकी 20 की 10 से मल्टीप्लाई एंड 20 की 70 से मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके साथ भी, फिर ये साइन और इसके साथ भी, तो ये हो गया 200, ये हो गया 140 एंड प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करेंगे आंसर आएगा 60। ठीक है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, तो होपफुली सबको समझ में आ गया होगा बेसिक्स क्या है इस चैप्टर का। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की, बच्चों
आपको क्या करना है, सारे बच्चों को इसके क्वेश्चंस करने हैं खुद से, ठीक है। और मैं भी आपको कल इसका एक पेपर बना के दूंगा 10 क्वेश्चंस का चैप्टर में से ही, ठीक। और वो आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसमें जो भी डाउट्स होंगे वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज के थ्रू या फिर हमारा जो गूगल क्लासरूम है उस पर आप मैसेज डाल सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.5 और 6 के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे 1.5 में क्वेश्चन नंबर 3 बोला, ऑन ट्यूजडे महेश डिलीवर्स 2 चेक्स फॉर, ऑन ट्यूजडे मतलब ट्यूजडे के दिन महेश ने 2 चेक डिलीवर किए 4999 का, ठीक। 2 चेक डिलीवर किए और दोनों के दोनों 4999 के थे, और 3 बिल्स डिलीवर किए जो कि 272 के थे, सारे के सारे तीनों के तीनों 272 के थे। अब बोला इफ ही हैड ए स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ, अगर उसके पास स्टार्टिंग में 15,000 रुपए का बैलेंस था तो व्हाट इज हिज एंडिंग बैलेंस, तो अब उसके पास कितना बचा। तो बहुत सिंपल है, हिज एंडिंग बैलेंस लिखेंगे, हिज एंडिंग बैलेंस मतलब उसके पास एंड में कितना बचा। तो 15,000 स्टार्टिंग में था, उसमें से 2 × 4999 माइनस कर देंगे, माइनस 3 × 272 माइनस कर देंगे, ठीक है। कैसे किया मैंने, देखो बेटा इसको आप 2 बार लिख के माइनस करोगे या सीधा 2 से इंटू करके माइनस कर दो, बात एक ही है। या तो आप इसको ऐसे 2 बार लिखो, है ना, या फिर सीधा एक ही बार लिख के और 2 से इंटू करके लिखो, बात एक ही है ना। माइनस 3 माइनस 3 जब होगा तो माइनस 6 ही तो होगा, या फिर माइनस 2 × 3 करेंगे तो भी तो माइनस 6 ही आएगा। तो ये चीज हमने करी है, और ये 3 उसके चेक थे, तो 272 का एक चेक है, तो 3 कितने के बनेंगे, 3 × 272। अभी बस अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो 15,000 माइनस ये हो जाएगा हमारा 18,1990 एंड 1 कैरी 819, और ये हो जाएगा हमारा 621 2 कैरी 6 × 3 = 6 × 2। अभी इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो पहले हम पीछे वाला कर लेते हैं, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 6 और 8 = 14 1 कैरी 9 × 10 = 11 1 कैरी 10 × 18 1 कैरी 2 कैरी। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6 9 8 9 1 and 4, ठीक है। तो 4186, तो एंड में उसके पास 4186 का बैलेंस बचा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये बिल्डिंग वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों ने मेरे से पूछा हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 5 गिरजा वाला, तो इसको करा देते हैं। इसमें बोला है गिरजा एंड हिज फैमिली लिव इन ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, गिरजा और उसकी फैमिली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहती थी, मतलब ऐसी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे स्टोरीज हो, ठीक है, बहुत सारे फ्लोर्स हो, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर ऐसे आगे बोला। इसमें 23 फ्लोर थे टोटल, इसमें 23 फ्लोर्स थे, ठीक है, 23 फ्लोर्स थे इसमें टोटल के टोटल। अब नेक्स्ट इसने बोला है ईच ऑफ हाइट 5, और हर एक फ्लोर की जो हाइट है वो 5 थी, ठीक है, हर एक फ्लोर की हाइट जो है 5 थी। इट ऑल्सो हैज 2 फ्लोर्स इन द बेसमेंट, मतलब इसके 2 फ्लोर्स बेसमेंट थी, जैसे ये सड़क है ना जहाँ पे गाड़ियां वाड़ियां खड़ी होती है, तो ये हमारा तो ये हमारा जो इसके नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा, जो अंडरग्राउंड वाला कहलाएगा, इसको कहते हैं बेसमेंट। तो बेसमेंट में इसके 2 फ्लोर है, दोनों की हाइट 5 5 है, ठीक। नेक्स्ट इसमें बोला हुआ है ए लिफ्ट इन द बिल्डिंग मूव्स एट ए रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, बिल्डिंग में एक लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट लगी हुई है बिल्डिंग में जिसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर चली जाती है। आगे इसने बोला है इफ ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम 50 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर एक आदमी जमीन से, ये जमीन थी ना, इससे 50 मीटर ऊपर से, मतलब समवेयर यहां से कहीं से अगर लिफ्ट में आता है, और उसको जाना कहां पर है, इफ ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम 50 मीटर अबव द ग्राउंड हाउ लॉन्ग इट विल इट टेक हिम टू रीच द लास्ट फ्लोर ऑफ द बेसमेंट, तो उसको बेसमेंट तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये हमको पता है,
ठीक है। तो बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, ये फॉर्मूला होता है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी से हमने याद बना लिया, टाइम इधर पहुंच गया, स्पीड उधर आ गई, ठीक है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमारे पास स्पीड तो इसने दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस और चाहिए। डिस्टेंस देख लेते कितना और गया, तो वो 30 के ऊपर ये वाला एंड 10 ये वाला है ना, 5 और 10 हो गया ना, तो टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर करनी है वो 60 मीटर कर दी है। अब टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस 60 मीटर और स्पीड 1, टाइम इक्वल्स टू कितना टाइम लगेगा उसको 6। बहुत इंपॉर्टेंट चीज किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कि इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मीटर सेकंड है, तो इधर भी जो डिस्टेंस है वो मीटर में ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड था तो टाइम भी सेकंड में ही निकल के आएगा, ठीक है। अगर मिनट होता तो मिनट में निकल के आता। तो अभी ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 8 है, इसको भी कर लेते हैं। बहुत बच्चों का डाउट रहा है, ये भी उन्होंने मेरे से मीटिंग्स में पूछे हैं ये डाउट, इसलिए मैं इनको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। इसमें बोला ऑन मंडे द टेम्परेचर एट 6 AM वॉज, मतलब मंडे को सुबह 6 बजे 6 AM पे जो टेम्परेचर था वो था -24 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 आवर्स टेम्परेचर इंक्रीज टू 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगले 5 घंटों में ये 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो कितना हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, है ना, इंक्रीज हो गया, मतलब बढ़ गया। तो प्लस करेंगे इसको तो ये हो गया -9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया ना, तो बढ़ गया मतलब प्लस हो गया। आगे इसने बोला है इन द नेक्स्ट 16 आवर्स द टेम्परेचर ड्रॉप 9 डिग्री सेल्सियस, और अगले कितने आवर्स में 16 आवर्स में 16 घंटों में टेम्परेचर जो था वो कितना 9 डिग्री सेल्सियस घट गया, ड्रॉप मतलब घट गया। तो माइनस माइनस प्लस साइन ये आ जाएगा हमारा -18। और लास्ट एंड इन द नेक्स्ट 3 आवर्स इट रेज टू 12 डिग्री सेल्सियस, और अगले 6 घंटों में ये 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो इसमें 12 डिग्री सेल्सियस एड कर देंगे, जब भी बढ़ेगा वो एड होगा, डिक्रीज होगा या ड्रॉप होगा तो वो माइनस होगा। तो हमने यहाँ पे इसको माइनस प्लस -18 एंड +12 ये हो जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस। तो इसने ये पूछा है वट वॉज द टेम्परेचर एट 6 AM ऑन द ट्यूजडे, तो अगले दिन ट्यूजडे में टेम्परेचर कितना होगा। तो ट्यूजडे ही पहुंच गया हमारा 6 और 6 हो गया हमारा वट वॉज द टेम्परेचर एट 6 AM ऑन ट्यूजडे। आगे से कोई भी हमको कंडीशन नहीं दी है, मतलब यही टेम्परेचर हमारा कंटिन्यू रहा होगा ट्यूजडे के सुबह 6 बजे तक। तो यही हमारा टेम्परेचर है -6 डिग्री सेल्सियस, तो ये ट्यूजडे में सुबह 6 बजे तक रहा होगा, ठीक है। तो इसी को इसने आगे कोई कंडीशन नहीं दिया ना, तो यही मतलब टेम्परेचर कंटिन्यू रहा होगा। ठीक है, तो बाकी आप सारे क्वेश्चंस करना और मैं तो आपको इसका एक टेस्ट बना के दूंगा, टेस्ट शीट कल मिलेगी आपको इसकी। तो जो भी प्रैक्टिस मतलब इसमें क्वेश्चन है आप उनको कर लेना, एंड कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।